बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि आप किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप प्रॉफिट कर रहे हैं। तो एक लिक्विडिटी से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आपके जो लॉसेज हैं वो आप रिकवर कर सकें इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके। तो अगर हम लिक्विडिटी के इस कंसेप्ट को समझें तो इसमें सबसे पहले क्या हमने देखना है कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब ये है कि सिंपल टर्म में फेक ब्रेकआउट। इस पॉइंट पर देखें तो ये मार्केट का हाई था, ब्रेक किया, सबसे पहले आपने वेट करना है कि वो ब्रेक करे और उससे नेक्स्ट कैंडल जो है उसी टाइम फ्रेम की वापस से इसी जोन के नीचे क्लोज हो जाए। जैसे कि यहाँ पे जैसे ही क्लोज होती है आपने वहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है, स्टॉप लॉस अपने रिसेंट जहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है उसके विक के टॉप पे रखना है और अपना टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया रखना है। अगर हम इस जोन में देखें यहाँ से हमें सेल की पोजीशन मिलती है, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई सेल साइड की और कैंडल क्लोज अपसाइड, मार्केट बूम करके अपसाइड पर गई लिक्विडिटी एरिया। यहाँ से अगर आप देखें तो सेम लिक्विडिटी उठाई मार्केट ऊपर। इस पॉइंट से देखें